Yes, good afternoon to all. Yes. Okay. Good afternoon, बेटे. Good afternoon. afternoon. Today's test of chapter 1. Chapter 1 का ही था ना, match the following and multiple choice. अच्छा, very good. Okay, Ditya. Match the following and one word का test था. चलिए कुशाल, आप अब करके देखिएगा. जो विंडोज 10 जो आपका चैप्टर 2 है उसको करके देखना है ना बेटे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं सिर्फ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बोल देती हूँ, आप उसके आंसर बोल दीजिएगा. ठीक है, आप उसके आंसर टाइप कर दीजिएगा. यस, चैप्टर 1 ही लिया था मैंने बेटे. चैप्टर 1 उस दिन आधा लिया था ना. यस मैम, दीदी करवा देगी. ओके बेटे, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना. फिलअप और ट्रू और फॉल्स लिए थे चैप्टर 1 के. अब चैप्टर 1 के ही मैच द फॉलोइंग और मल्टीपल चॉइस लेने हैं. वो चैप्टर 1 में ही तो आते हैं मेरे आंटी. मैंने चैप्टर 1 ही भेजा था बेटा. स्कूल थोड़ी है जो ब्रैकेट लगा के भेजेंगे आपको कि मैच द फॉलोइंग एंड मल्टीपल चॉइस. सारा ही तो सारा है. चलिए, किसी ने कुछ पूछना है, स्टार्ट करें. लेडी अगस्टा लवलेस को किसमें मिलाएंगे? क्या थी लेडी अगस्टा लवलेस? यस, ओके बेटा प्रियांशी, ओके, वेरी गुड. आर्यन ने सबसे स्पीड से टाइप किया है. चलिए कोई नहीं, आराम से टाइप कीजिए, कोई टेंशन नहीं है. कोई जल्दी कर लेता है, कोई लेट कर लेता है. ऐसे नहीं होता था क्लास में, कोई जल्दी से फटाफट से लिख लेता था, कोई लेट धीरे धीरे. ठीक है, कोई नहीं, स्पेलिंग कोई नहीं है. अगर गलत भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप टाइप कर दीजिए. वेरी गुड, सबके आंसर ठीक है. करिए, कोई नहीं, आराम से टाइप करो. आर्यन, नकुल, लिपिका, आदित्य, कुशाल, अनीश, नव्या, प्रियांशी एंड आयुष. यस, वेरी गुड, सबके आंसर सही दिए सबने. आयुष ठीक है बेटे, प्रियांशी का भी ठीक है. मैम आपकी अच्छा, अभी भी ऐसे हो रहा है क्या? वो रिकॉर्डिंग में तो मैंने ऐसे ही देखा है. रिकॉर्डिंग में जब मैंने अपनी खुद की सुनी थी ना, तो ऐसे ही हो रहा था. लिप्स पहले चल रहे थे और वॉइस जो है वो बाद में आ रही थी. लेकिन अभी यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है तो वो मालूम नहीं मुझे. हो सकता है कि कुछ नेटवर्क एरर हो, पता नहीं चल रहा है. आजकल मैं कनेक्ट लॉग इन भी बहुत लेट हो पा रही हूँ. चलिए, सुनाई तो दे रही है ना, सबको सुनाई दे रही है ना. चलता है बेटा, कभी किसी के से प्रॉब्लम आ रही है, कभी कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, कभी ऑन ही नहीं हो पाता, कभी नेम ही नहीं आ पाता, कभी जो वेबसाइट में जो वो है ना, लॉग इन करते समय लॉग इन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक ब्लैंक पेज आ जाता है. बहुत प्रॉब्लम तो बहुत आ रही है बेटा, इस वक्त ही आ रही है, भी मंडे से ही आ रही है मेरे साथ तो. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लेज पास्कल को आप किससे मिलाएंगे? यस, वेरी गुड. दित्या, प्रियांशी, हाँ दित्या ने स्पेलिंग सही कर ली. दित्या, मैं यही बोलने वाली थी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे. जैसे अनीश की भी अभी स्पेलिंग मिस्टेक है, ए ने टी ए एस ए लगाया हुआ है, वो गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड लिपिका की भी ठीक है, कुशाल, नव्या, आयुष, नकुल, आर्यन, ठीक है बेटे. चलिए, थर्ड
थर्ड इज मिक्रेल, MICREL को किसमें मिलाएंगे, किसमें मैच करेंगे बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नकुल, भव्य, लिपिका, अनीश, नव्या, प्रियांशी, आर्यन, दित्या, आयुष, बिल्कुल ठीक है बेटे आपका। बेटे यस, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। कुशाल आपका, आयुष, दित्या सबका ही ठीक है। यस वेरी गुड, आर्यन, लिपिका, अनीश, दित्या, नकुल, आर्यन, नकुल, दित्या, लिपिका, अनीश, भव्य, कुशाल, प्रियांशी एंड नव्या सबका ही ठीक है। चलो अनीश भी टाइप कर, अनीश टाइप कर लो बेटे। चलिए नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, सब टाइप करने लगे होंगे, लास्ट है, मैम यही पूछेगी, फटाफट से लिख के रख लेते हैं, मालूम था मुझे लिख टाइप करके रखा होगा आपने। ठीक है बेटे सबका ही ठीक है, स्पेलिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ द फॉलोइंग है तो कोई इतना टेंशन भी नहीं है, फिलअप में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। आर्यन, दित्या, प्रियांशी, नकुल, लिपिका, अनीश, भव्य, ठीक है बेटे। लिपिका आप स्पेलिंग अपनी ठीक कर लेना, यही कर लो बेटे, है ना। हाँ कर लिया अब आपने, सर्किट की भी सही कर लो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही कर लिया करो, एकदम अभी टाइप करके फिर उसी में एडिट कर लिया, क्योंकि ज्यादा जब रॉन्ग होती है एक आधा का तो चलता है, कभी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना। चलिए एमसीक्यू लर्न करा है, डायरेक्ट पूछे। डायरेक्ट पूछ लो, सबको लर्न है। यस सर, ओके। हाँ एमसीक्यू डायरेक्ट पूछ लो या लर्न करवाना है, डायरेक्ट ही पूछ लो। ओके बेटे देखो टाइपिंग कैसे, आराम से टाइप करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके नहीं पूछूंगी मैं, अपने मन से पूछ रही हूँ। द डैश लैंग्वेज वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था, कोबोल, मशीन या RDBMS। वेरी गुड सबका ही ठीक है, दित्या, लिपिका, नकुल, आर्यन, भव्य आपने क्या टाइप किया, अच्छा अब डिलीट कर दिया, प्रियांशी, नव्या, अनीश, बिल्कुल ठीक है बेटे आपका। चलो अभी टाइप कर लो दो, आयुष का भी ठीक है, भव्य आपका भी ठीक है, कोई नहीं आराम से टाइप करो, मुझे कोई नहीं है कि जिसका लास्ट में आंसर आया उसने लेट क्यों दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जरूरी नहीं कि हर किसी की टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, ऐसा होता है क्या, कभी किसी की राइटिंग, आप कॉपी में भी तो स्लो लिखते हो कई बच्चे, और इंटेलिजेंट भी हैं, सब पता है मैम को कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं है, आप टेंशन मत लिया करो। डैश आर यूज इन होम, स्कूल, शॉप, ऑफिस, बैंक एक्सेट्रा, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। यस वेरी गुड, ठीक है सबका ही टाइप करो, पूरा लिखो, कौन सा है, माइक्रो, मिनी, सुपर। वेरी गुड बेटा, सबने बहुत अच्छे से लर्न कर रखा है, अच्छा लगता है ऐसे पूछना भी ना, ऐसे अच्छा लगता है ना, फटाफट फटाफट से आंसर दो तो मजा भी आता है पूछने में।
वेरी गुड बेटे, चीटिंग मार के मत देना। ये नहीं कि मैम तो देख नहीं रही है तो हम चीटिंग मार के दे दें, ऐसे मत करना बेटे। ये आपके लिए ही लर्न करा रही हूँ मैं, मेरे को खुद से लर्न करने होते तो मैं लर्न कर लेती, लेकिन आप सबको ही लर्न करने है ना, स्कूल ओपन होने के बाद भी आपको ही लर्न करने है, मुझे तो करने नहीं है। तो फिर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लिया करना, अदरवाइज चीटिंग मार के बिल्कुल मत देना बेटा। चाहे नहीं है लर्न, मत दो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन बिल्कुल भी बुक ओपन करके बिल्कुल मत देना, या आप अपने साथ अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ओके बेटा, चीटिंग मार के मत देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी बात है बेटा, अगर आप चीटिंग नहीं मार रहे, मैं ये नहीं कह रही कि आप चीटिंग मार रहे हो, मैं तो सबके लिए ही बोल रही हूँ, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। मत दो आंसर, नहीं लाने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चीटिंग करके मत देना। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, टाइटन ही टू, IBM PC, NX, ENIAC। वैसे फिलिप फिलअप भी बन सकते हैं, तो आप वैसे करके ही लर्न कर लिया करो, जरूरी नहीं कि मुझे आपको देने ही पड़े। आपको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप फटाफट टाइप कर दिया करो, मतलब वैसे ही लर्न करके रखा करो, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। वेरी गुड, सबका ही आंसर ठीक है, वेरी गुड बेटे। कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि प्रियांशी की एंड भव्य, आपकी भी स्पेलिंग मिस्टेक है बेटे। कोई नहीं, एडिट करके सही कर लेना, ठीक है। पूरा डिलीट मत किया करो बेटा, एडिट कर लिया करो। एक पेंसिल का निशान आता होगा और एक डिलीट का आता होगा, तो आप पेंसिल को क्लिक किया करो, उसी से एडिट हो जाता है। सबको मालूम होगा वैसे तो। नव्या, आपकी भी स्पेलिंग रॉन्ग है बेटे, सही कर लो उसे। पता है आपको, मुझे बहुत नॉलेज है, इंटेलिजेंट हो सब। सॉरी मैम, लैपटॉप शट डाउन हो गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, रिकॉर्डिंग में देख लेना, नहीं देख पाओ तो लर्न ही करना है, बस लर्न ही पूछ ही रही हूँ आज तो मैं। वैसे भी टेस्ट लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ। द एरा ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज डैश 1922, 1936, 1942, 1956 एंड 1952, 1958। वेरी गुड नकुल, अनीश, आर्यन, दित्या, प्रियांशी, लिपिका, भव्य, कुशाल, नव्या, आयुष। ठीक है बेटे, सबका ही ठीक है। नेक्स्ट है, पंच कार्ड वॉज डिजाइन बाय जॉन मॉशली, हरमन हॉलरिथ या जॉन वॉन न्यूमैन। वेरी गुड नकुल, भव्य, प्रियांशी, अनीश, आर्यन, और भी टाइप कर लो बेटे। वेरी ठीक है बेटे, सबका ही, कुशाल, नव्या, लिपिका। यस प्रियांशी, नेट का इश्यू हो जाता है ना, तो फिर इसलिए उसका क्लोज कराना पड़ता है।
सबका ही ठीक है, बस स्पेलिंग सबकी थोड़ी बहुत मिस्टेक है, जैसे कि उदय ने तो उदय की आयुष ने लिख दी। खुशहाल फिर कभी बेटे। चलिए चैप्टर 2 के आप फिलअप, ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यू तीनों लर्न करके रखना, तीनों ही मैं एक साथ पूछ लूंगी। पहले लर्न करवा देंगे, फिर आप लर्न करवाने के बाद फिर पूछूंगी मैं आपसे, फिलअप, ट्रू और फॉल्स, चैप्टर 2 के। चैप्टर 2 के भी लर्न कर लिया आपने, अरे वाह, वेरी गुड, अच्छी बात है प्रियांशी, आप ऐलान कर लिए तो। लेकिन क्वेश्चन आंसर भी लर्न करके रखना, क्वेश्चन आंसर मैं इसमें नहीं पूछ रही हूँ, आप सब लर्न करके रखिएगा, ठीक है ना बेटे? और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 अच्छे से लर्न कर लेना। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछ लो, अभी है टाइम, अभी टाइम है बेटा, क्लास ओवर होने में। आज टेस्ट जल्दी खत्म कर लिया था, 1 सेकंड दिया।